इन त्योहारों पर भूषण ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वर्ण समृद्धि योजना जो 10 सितंबर से शुरू है। तो खरीदारी करें और जीतें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख के आभूषण, साथ ही दुबई टूर सहित कुल 101 इनाम। तो चले आए आपके अपने भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार। हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रवेश द्वारा स्वर्घाट में अबकारी और कराधान विभाग की टीम ने बिना टैक्स चुराए और बिना बिल ले जाए जा रहे हैं सोने और चांदी का आभूषणों पकड़े हैं। विभाग ने मौके पर ही कारोबारी को जुर्माना लगाया और बताया जा रहा है कि अबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सोना और चांदी के कारोबार करने वाले बिना टैक्स भुगतान किए और बिना बिल के लाखों के जेवरात लेकर बाहरी राज्य से प्रदेश में ला रहे हैं, जिसके चलते अबकारी कराधान विभाग ने स्वर्घाट के नज़दीक नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी पंजाब से हिमाचल की तरफ जा रही एक निजी कार से सोना व चांदी का आभूषण चोरी छुपे ले जा रहे व्यक्ति के पास से अबकारी विभाग की टीम ने स्वर्घाट में पकड़े और प्रशासन आगे की कार्रवाई शुरू कर। त्योहारी सीजन की हमारी रूटीन चेकिंग थी जिसके तहत हम गाड़ियों को चेक कर रहे थे। इसमें हमने निरीक्षण के लिए हरियाणा नंबर की एक गाड़ी जिसका नंबर HR01AS7754 था को निरीक्षण के लिए रोका, जिसमें हमें 3 किलो के लगभग आभूषण मिले। इसमें 2.5 किलो चांदी और 0.5 किलो के लगभग सोना था और इसकी जो कुल कीमत है लगभग 20 लाख के आसपास थी। इसके तहत हमने मौके पर ही और हमारी टीम ने मौके पर ही 1,22,000 के करीब इनको जुर्माना किया है जो इन्होंने मौके पर ही दे दिया था। तो त्योहारी सीज़न के दौरान हमारी दबिश लगातार जारी रहेगी जिसके तहत हम अपने पूरे वाहनों की चेकिंग पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं।